हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मेरे पास रियलमी का 7 प्रो मॉडल है। इसकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि जब हम इसे स्वाइप अप करते हैं ऐप्स में जाने के लिए, तो यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो जा रहा है, और जब हम स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे सर्च बार भी यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पे सजेशन ऐप भी हमें देखने को मिल रहा है। अब इसे हम कैसे बंद कर सकते हैं, इसे हमें कैसे बंद करना है, आज इस वीडियो में हम वो जानेंगे। हमें सबसे पहले हमारी सेटिंग्स में आ जाना है। हम सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन है, हमें उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऐप ड्रॉवर सेटिंग का ऑप्शन है, हमें इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ हमारे सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 3 इनेबल है। उसमें है पर्सनलाइज सर्च, शो ऐप सजेशन, डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन इंटरिंग ऐप ड्राइवर। अब जो कीबोर्ड जो ओपन हो जा रहा है स्वाइप अप करने के बाद, अब इसको हम बंद कर देते हैं। इसे डिसेबल करने के बाद हमारा जो कीबोर्ड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए, आप यह कीबोर्ड नहीं आ रहा है। इसी तरह हमें अगर ये सर्च बार और ये सजेशन ऐप जो बंद कराना है, हमें सेम सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर दोबारा क्लिक करके ऐप ड्रॉवर सेटिंग में जाना है, और यहाँ ये दोनों ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। अब इस तरह से हमारे तीनों भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ना हमें नेविगेशन ऐप दिखाई देंगे, ना सजेशन बार में कुछ दिखेगा, और ना ही कीबोर्ड ओपन होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।